हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी मौजूद हैं और कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया, और तो हरियाणा के बच्चे किस तरह से सुशिक्षित हों, किस तरह से शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर बढ़े, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर। पंजाब के सी टीवी में स्वागत है आपका। कंवरपाल जी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं और भाजपा की पाठशाला चल रही है, सबसे पहला सवाल कि इस पाठशाला में कार्यकर्ताओं को किस तरह के गुण सिखाए गए हैं? क्योंकि ये हमारा एक रूटीन कार्य है, मतलब ऐसा नहीं है कोई पहली बार हम कर रहे हैं। जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेके अब तक ये प्रशिक्षण शिविर चलता है जी। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना, जो विचार लेके चले, एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा, और अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना, तो उस सारे विचार को लेके दुनिया की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए दुनिया में एक पर्यावरण की समस्या है तो हमारा क्या रोल है उसमें? अब हम कार्यकर्ता को इतना प्रशिक्षित करते हैं कि जो दुनिया की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, गरीब आदमी की समस्याएं हैं, उन सब पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। और वो इसलिए कि अगर सत्ता कब आपके हाथ में, अब तो भगवान की दया से आई गई सत्ता हमारे हाथ में, लेकिन ये हम उस टाइम भी चर्चा करते थे जब हम कहीं आसपास भी थे, तो ताकि कार्यकर्ता को इतना प्रशिक्षित करके आगे ले गए जब उसके हाथ में लोग उस पर विश्वास करें, उसके हाथ में सत्ता है तो उसके लिए काम करें। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, गरीबी के लिए काम कर रहे हैं, आयुष्मान योजना आई, किसान के लिए किसान समृद्धि योजना आई, दूसरी और योजनाएं बहुत सी, गरीब के मकान बनाने की योजना आई, शौचालय बनाने की योजना आई, ऐसे ही गैस देने की योजना आई 9 करोड़ लोगों को, तो ऐसे बहुत से काम हैं जो आम आदमी के काम थे उनके लिए चिंता करके, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 0 बजट उस पर अकाउंट खोल दो, अब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उसका कि भी क्या करोगे, अब कहाँ पहले 8 करोड़ है, कहाँ पे 40 करोड़। अब आपके सामने कोरोना में हमने सभी महिलाओं को 500-500 रुपए देने थे, अब किसी को जाना तो नहीं पड़ा ना, एक बटन दबाया 40-500 रुपए सबके उसमें चलते रहे, जब तक कोरोना रहा सबके उसमें चलते रहे। ऐसी और भी बहुत सी योजना है, जैसे किसान समृद्धि योजना है, हमने करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये डालने, तो बीच में कोई नहीं है, हमने सीधे उसके खाते में डाल दिए। ऐसी बहुत सी योजनाएं ताकि इसमें भ्रष्टाचार भी खत्म हो, सरल भी हो और सही व्यक्ति तक सही चीज़ पहुंच जाए, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग अभी से होती है और जब अवसर मिलता है तो फिर उसके परिणाम आपके सामने होते हैं। सर आपने बोला कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शी नीति की बात करते हैं, लेकिन फरीदाबाद सहित ऐसे कई जगह पर है जहाँ, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर ऐसे लोग तैनात हैं जिन पर गबन के मामले, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, फरीदाबाद भी उनमें से एक है, तो सरकार की नीति अलग है, तो इस तरह का कहीं कोई लगता है कि कहीं कोई गुमराह करने की कोशिश की गई है, या इस पर क्या एक्शन और प्लान होगा सर? देखिए अब कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट है जी, लेकिन मैं उसको कहूँगा भ्रष्ट है, हो भी सकता है आपकी बात सही हो, भ्रष्ट हो वो, लेकिन जब तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी हमारे पास और जब तक जांच नहीं होगी और जब तक भ्रष्ट साबित नहीं होगा तब तक जांच लंबित है, तो जब तक तो मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जी। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, मान लीजिए अगर कहीं से भी मेरे पास उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है तो हम जाँच कराएंगे, निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर सरकारी स्कूलों की बात करें, मॉडल संस्कृति स्कूलों की बात करें, हालांकि पहले से स्थिति बेहतर हुई है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संसाधन और अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं, उसको लेकर क्या एक रोड मैप शिक्षा विभाग ने तैयार किया? बिल्कुल सही है आपकी बात कि हमारे पास टीचरों की कमी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और जहाँ तक संस्कृति मॉडल स्कूल की बात है कि देखिए हमने कई गुना ज़्यादा बढ़ाई है, पहले 22 थे केवल, 22 जिले थे, 22 ही थे, लेकिन हमने अभी पिछले साल में 116 बढ़ा दिया, अब 138 है इस टाइम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हम जल्दी उनको 500 करने के लिए, तो स्वाभाविक ही है इतनी बड़ी संख्या में अगर एकदम बढ़ाएंगे तो समस्याएं आएंगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा सारे को एडजस्ट करते हैं, लेकिन लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग चाहते हैं कि हमारा भी संस्कृत, विधायकों की भी इच्छा है, लोगों की भी इच्छा है कि जल्दी बढ़ाओ, तो उसमें प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक टीचरों की कमी है उसके लिए हमने एक और तरीका भी खोज किया कि जो रिटायर्ड टीचर हैं वो चाहे सरकारी स्कूलों से रिटायर्ड हुए और चाहे दूसरे स्कूल हैं जो हमारी ग्रांट के ऊपर काम करते थे, अब सारे हैं नहीं वो कोई भी, तो ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनकी भी हैं, टीचर हैं और गेस्ट टीचर हैं, उन सभी को हमने अवसर दिया कि वो आके उनको हम 11 महीने का टाइम के लिए उनको रखते हैं, और अभी जो थोड़ा टाइम है इसके लिए हम उनको रख रहे हैं, आने वाले टाइम में हम भर्ती कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये जो कमी है पूरी करें। सर एक दिल्ली NCR में एक प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में ग्रेप सिस्टम दिल्ली NCR में लागू हो जाएगा, उद्योगपति परेशान है, लोग परेशान हैं, तो प्रदूषण का स्तर कम हो इसके लिए कुछ धरातल पर भी रोड मैप बनाया जा रहा है?
देखिए, जैसे पराली जलाने की बात थी, दूसरी बात थी, उसमें 70% से ज़्यादा कमी आई है। ये सर आंकड़ा है, मेरा अपना नहीं है, ये एजेंसियों का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, 70% से ज़्यादा कम हुए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है, जहाँ इंडस्ट्री है उसमें भी हमारा पूरा प्रयास है, पर लेकिन उसके लिए दिल्ली भी काफ़ी बड़े दोषी है, दिल्ली को भी अपने आप भी प्रयास करना चाहिए। तो वो प्रदूषण वैसे ही हमारे जिम्मे लगा देता, लेकिन उसका प्रदूषण अपना ही बहुत ज़्यादा है। तो चाहे जल प्रदूषण है और चाहे वायु प्रदूषण है, वो उसका अपना ज़्यादा है, हमारा काफ़ी उस पर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। उसमें ये नहीं कहता कि हमने नहीं करना चाहिए, हमने बहुत कर दिया, उसमें अभी प्रयास करने की ज़रूरत है। और हम कहीं जहाँ पानी की बात है, इस प्रकार के STP लगाने की बात है, हमारा पूरा प्रयास है कि कहीं भी गंदा पानी जमना भी निकल रहा है। हरियाणा की जनता से सर हमारे माध्यम से चाहे पर्यावरण की बात करें या शिक्षा के स्तर की बात करें, क्योंकि एक और निर्णय लिया गया कि जो वंचित बच्चे हैं शिक्षा से, उनके लिए भी सरकार योजना बनाने जा रही है, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो पेरेंट्स अभी भी शिक्षा को लेकर उतने गंभीर नहीं है? देखिए, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और सरकार जितना खर्च कर रही है, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था है वो भी सरकार कर रही है, स्टाइफंड की जरूरत है वो भी सरकार कर रही है, बुक्स की जरूरत है वो सरकार अपने आप दे रही। तो ऐसे में प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है कि उसका बच्चा ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 8वीं तक तो पढ़ने, उसको अक्षर ज्ञान ठीक तरीके से होना ही चाहिए। और उसका अशिक्षित रह जाना केवल उसके लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। दुनिया भी जब तरक्की करेगी, वो भी दुनिया ही तो है ना, उसकी तरक्की भी तो दुनिया की तरक्की के साथ है। मतलब अगर वो तरक्की करेगी, दुनिया तो भी तरक्की करेगी, देश भी जब भी तरक्की करेगा, वो तो तरक्की करा पहले। देश कोई ऐसी चीज़ नहीं कि देश तरक्की कर जाएगा तो अब हमारे साथ चलना चल, उसके चलने से ही देश तरक्की करेगा। तो ऐसे में ये भी एक देशभक्ति है, काम करना चाहिए। आपके चल के माध्यम से मैं एक अपील जरूर करूँगा कि अब जो टाइम है वो पेड़ लगाने का टाइम है। पर्यावरण दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारा सबका कर्तव्य है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी पूरी देखभाल करके उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी लें। और मैं समझता हूँ कि पेड़ जो है ना, वो बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि जो पेड़ आप लगाते हैं उसमें पक्षी फड़खाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, आराम करते हैं, और निश्चित तौर से अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर से उसका कोई पुण्य होगा और वो पुण्य आपको मिलेगा। और इस जन्म अब भी मिलेगा, जब हम नहीं रहेंगे, पेड़ जब भी रहेगा तो वो पुण्य आपको तब भी मिलता रहेगा। तो हम वो पेड़ लगाएं, पर्यावरण को भी अच्छा करें और पुण्य भी कमाएं, दोनों हैं। तो देखिए मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ हैं, शिक्षित देश हो उसके साथ साथ हरा भरा देश हो, और प्रदूषण से मुक्ति के साथ साथ पुण्य कमाने का एक मकसद उन्होंने बताया है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।